संभल के चंदोसी में एके हेल्पिंग सोसाइटी के द्वारा गुरुकुल शिक्षण संस्थान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृक्षारोपण पखवाड़ा के तहत एके हेल्पिंग सोसाइटी ने जनपद संभल के चंदोसी में तहसील रोड पर स्थित बिमला देवी आर्य गुरुकुल शिक्षण संस्थान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित, द्रविंद्र कुमार शर्मा कोतवाली प्रभारी चंदोसी, सुनील सक्सेना वन विभाग इंस्पेक्टर उपस्थित रहे और वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर एके हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष अमन खुराना ने बताया कि सरकार की मुहिम के तहत आज हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, साथ ही यहाँ के स्टाफ एवं बच्चों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई। दीपक है, आज आपके गुरुकुल में एके हेल्पिंग सोसाइटी की तरफ से वृक्षारोपण किया गया और आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को भोजन कराया गया है। जी, देखिए ये वृक्षारोपण जो व्यवस्था है ये प्रकृति की सबसे सुंदरी व्यवस्था है और इसके अंतर्गत ही हमारा जीवन है। अगर वृक्ष नहीं है तो मनुष्य का जीवन बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल व्यर्थ है, और वृक्षों के द्वारा ही हम जो है एक लंबी आयु को जी सकते हैं। और आज जो वास्तव में जो कोरोना की जो ये एक स्थिति बनी हुई है, अगर हम प्रकृति के पास में होते तो शायद ये समस्याएँ बहुत कम होती और बहुत जल्दी ठीक होते, और भारत के लिए वरदान भी है ये कि आज जो इतनी भारतीय प्रकृति के अंदर हम जो रह रहे हैं और यहाँ बहुत ही जल्दी इस कोरोना की महामारी समस्या से दूर भी होता जा रहा है और समाप्ति भी उसके लिए होते जा रही है। तो वृक्ष हम लोगों के लिए जीवनी संजीवनी है और जिसको हम लोग कर रहे हैं, और आदरणीय खुराना जी की तरफ से आज गुरुकुल के अंदर जो वृक्षारोपण किया गया है इसकी देख रेख गुरुकुल परिवार देखेगा, हमारे छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चे जो है इस वृक्षों की व्यवस्थाएँ देखेंगे। और आप देख सकते हैं गुरुकुल के अंदर जो है आप नींबू का वृक्ष देख सकते हैं, आप जो है लीची का वृक्ष देख सकते हैं, और जो है चकोतरा का वृक्ष देख सकते हैं, आम के वृक्ष देख सकते हैं, सब पे फल आ रहे हैं। तो हमने इन वृक्षों को, जैसे ये गुरुकुल में बच्चे रहते हैं इसी प्रकार से इन वृक्षों को हमने सजाया है, इनको जल पानी आदि सब दे देकर इनको सदैव आगे बढ़ाया है, और उसी का आज परिणाम है कि गुरुकुल जो है बहुत सुंदर और एक उपवन की तरह रहने लगता है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन यहाँ पर है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप सब लोग आदरणीय आज माननीय SDM साहब और आपके साथ में जितने भी मुख्य अतिथि गुरुकुल के अंदर आए थे, हम सबका सौभाग्य है कि इस गुरुकुल में आप सब लोग इसी प्रकार से आते रहें और गुरुकुल इस व्यवस्था के अंदर आप सबका सहयोग भी हम सबको मिलता रहे, जिससे हम भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आज आपने एक हेल्पिंग सोसाइटी की तरफ से जी गुरुकुल में आकर यहाँ पर बच्चों को भोजन कराया और वृक्षारोपण किया है, तो क्या जी देखिए, जैसे कि अभी सरकार की भी ये मिशन चल रहा है एक जो 30 करोड़ प्लांट का चल रहा है यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की साइड से, तो इसमें आज हमने यहाँ पर गुरुकुल माता बिमला देवी आर्ष गुरुकुल के नाम से है ये गणेशपुर में स्थित है चंदोसी में, यहाँ पर आज उप जिलाधिकारी महोदय इंस्पेक्टर महोदय चंदोसी साथ में वन विभाग से SI सक्सेना जी के मार्फत यहाँ पर उनको मुख्य अतिथि बनाकर वृक्षारोपण करवाया है। साथ में यहाँ पर 100 बच्चे हैं जिसमें कि 22 बच्चे अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, 22 से 25 बच्चे, मैं स्टाफ के 50 लोग हैं यहाँ पर, उनका हमने दोपहर का भोज भी करवाया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये देना चाहेंगे, देखिए एक बहुत अच्छी सी एक कहावत है या स्लोगन आप बोल सकते हैं कि माँ की ममता और पेड़ का दान दोनों करते जन कल्याण। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, वृक्ष होंगे सब सुरक्षित रहेंगे, अच्छी हवा मिलेगी, वायु में अच्छा रहेगा।